Hello, my dear children. A very good morning, my dear children. Today I am going to teach you book number 1. Today is Wednesday and today's date is 26 August. Today we will do being good. Take the picture showing good behavior. यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो क्या चल रहा है, आपको समझ में आता है सर? ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को चॉकलेट, ये जो है वो उसके फ्रेंड को चॉकलेट देता है, तो ये अच्छी बात है, तो ये गुड बिहेवियर है। और ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे, मतलब क्वारलिंग कर रहे हैं, ये भी क्वारलिंग कर रहे हैं, झगड़ रहे एक दूसरे के साथ, ये झगड़ा कर रहे हैं। और ये भी, ये देखो, ये बच्चे का ये जो गेम खेल रहा था वो गेम उसने तोड़ डाला, तो ये बैड मैनर्स है, ये भी बैड मैनर्स और ये भी बैड मैनर्स है, इट इज नॉट गुड बिहेवियर। ओके, और ये देखो बेटा, ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने खिलौने देकर वो फ्रेंडशिप बना रहे हैं, ये गुड बिहेवियर और ये भी गुड बिहेवियर। यहाँ देखो, ये दोनों एक साथ मिलाकर खेल रहे हैं, गेट टुगेदर, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, दोनों को मजा आती है, इसलिए ये भी गुड बिहेवियर है। ये जो सब एक लाइन के गुड बिहेवियर है और ये बैड मैनर्स है। ओके, आप जो गुड बिहेवियर है उसको आप टिक करेंगे। हेल्प द चिल्ड्रेन वॉक अलोंग द लाइंस, आपको ये जो लाइन है जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन को आपको ट्रेस करना है पेंसिल से, इसको आप ट्रेस करेंगे, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये आपका होमवर्क, ये क्लास वर्क, ये होमवर्क। यहाँ देखो, सेंस ऑर्गन्स, रीड अलाउड, दिस इज गर्ल, द गर्ल हैज मेनी बॉडी पार्ट्स, आई, टू आई, टू आईज, ई वाई आई, टंग, ये टंग को आप, ये टंग आप दिखाएंगे, ये आई, ईयर, ये ईयर, नोज और हैंड, ये उसका हैंड है, ये नाम आप रीड करेंगे, ईयर, नोज, हैंड, आई, टंग। और ये आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है, जो डॉटेड लाइन है, ड्रॉ अलोंग द डॉटेड लाइंस, ये लाइन आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे, आप सिर्फ ये लाइन को ट्रेस करेंगे। ये कर्व लाइन है, ये सर्कल लाइन है, इसे देखो गोल, ये सब कर्व लाइन, ये सारी लाइंस की आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, पेंसिल से ट्रेस करेंगे उसको। तो यहाँ देखो, टिक द सेंस ऑर्गन, आपको पता है हमारे बॉडी पार्ट्स के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये 5 सेंस ऑर्गन से यहाँ पे हमें टिक करना है, देखो ये आ है, आई, और ये ईयर, आई, ईयर, नोज, ये हमारे सेंस ऑर्गन से, आई, ईयर, नोज, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं हमें? 5 सेंस ऑर्गन, तो 5 में से आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इसमें आप ढूंढेंगे और उसको टिक करेंगे। और यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स दिए हैं, ये बॉडी पार्ट्स क्या क्या कर सकते हैं हम बॉडी पार्ट्स से, देखो, हेयर, ये हमारे हेयर है, नोज, नोज से क्या करते हैं हम? स्मेल करते हैं, माउथ, माउथ से खाना खाते हैं, हेड, फोरहेड, आई, आई से हम देखते हैं, ईयर, ईयर से हम सुनते हैं, और माउथ से क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं और बोल सकते हैं माउथ से, चीन, थम,
हमारा थंब होता है, फिंगर। फिंगर से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं या कुछ चीजें उठा सकते हैं फिंगर से। शोल्डर, नेक, हैंड, हैंड से काम करते हैं हम। स्टमक, एल्बो, फुट, टोज, ये फुट से क्या करते हैं हम, चलते हैं, खड़े रह सकते हैं फुट पर, और लेग से हम वॉक करते हैं, चलते हैं। नी, इस तरह हमारे ये बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसके सारे नाम आप रीड करेंगे। इस तरह आपको आज सिर्फ होमवर्क में ये लाइन का प्रैक्टिस करना है, ये जिगजैग लाइन, और ये पेज नंबर 13, और ये आपको टिक करना है। ये आपका आज का होमवर्क है, ओके। और ये जो हमारी आज की शीट है, ये वाओ, कितनी इजी शीट है आज हमारी। ट्रेस एंड कलर इट। व्हाट इज दिस पिक्चर? दिस इज द पिक्चर ऑफ कार। आप ये कार को ट्रेस करेंगे। यहाँ स्क्वायर शेप है, सर्कल है, स्लिपिंग लाइन है, सारी पिक्चर्स को आप ट्रेस करेंगे और कलर करेंगे। और यहाँ आपको ट्रेस दीज, आपको स्मॉल ए टू जेड, यहाँ स्मॉल ए टू जेड आपको ट्रेस करना है, प्रैक्टिस करना है, और ये सारे लेटर्स को आप ट्रेस करेंगे। ये थी हमारी आज की शीट। और आप ये जो स्मॉल लेटर है अपने नोटबुक में लिखेंगे। आपका आज का होमवर्क ए टू स्मॉल ए टू जेड ऑन नोटबुक, हमारी इंग्लिश की नोटबुक है, उसमें आप ए टू जेड राइटिंग करेंगे। ये हमारा आज का होमवर्क है। गुड बाय, सी यू।